हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? आज पढ़नी है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करते हुए इनके कार्य लिखिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आज मैं बता दूँगी आपको कि आपको कैसे इसका नोट्स तैयार करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिकांग है। ठीक है, कोशिका का क्या है? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो ये कोशिका के अंदर पाया जाने जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है माइटो और एक होता है कॉन्ड्रिया। ठीक है, एक क्या है, एक है इसका माइटो है और एक होती है कॉन्ड्रिया। तो ये देखते हैं पहले माइटो का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्ड्रियान का मतलब क्या होता है? तो माइटो है, इसका अर्थ होता है फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहा जाता है। ठीक है, फिलामेंट क्या है? तंतु। एक है कॉन्ड्रियान। ठीक है, कॉन्ड्रियान है। तो कॉन्ड्रियान को क्या कहा, कॉन्ड्रियान का अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल को हिंदी में कहा जाता है कणिका। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कणिका कहा जा रहा है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया है एक तंतुवत कणिका होती है। ठीक है, कैसा होता है वो? एक तंतुवत कणिका होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तंतुवत कणिका है। देख लेते हैं इसका हिस्ट्री, जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे किसने कौन सी कोशिका में देखा और उसका क्या नाम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इसका इतिहास देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कोलिगर नामक साइंटिस्ट है। ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट है? कोलिगर नामक साइंटिस्ट। तो सबसे पहले कोलिगर नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने कीट में, ठीक है, इसे इंग्लिश में इंसेक्ट कहा जाएगा, तो कीट है, इनकी पेशी कोशिका में देखा। पेशी, इसे इंग्लिश में मसल्स सेल बोला जाता है। ठीक है, किस में देखा? कीट के मसल्स सेल में या पेशी कोशिका में देखा और इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल रखा। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिगर नामक साइंटिस्ट ने कीट में देखा। ठीक है, कीट के पेशी कोशिका में देखा और इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। तो साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव कहा जा रहा है। कोशिका द्रव में क्या, कोशिका द्रव में ग्रेन्यूल, और ग्रेन्यूल का अर्थ होता है कणिका। ठीक है, तो क्या कोशिका में कण के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल रख दिया। आगे है फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है। ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट है? फ्लेमिंग साइंटिस्ट है। तो फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में देखा और उसका नाम रख दिया फीला। ठीक है, क्या नाम रखा? फीला नाम रख दिया। आगे बेंडा नामक साइंटिस्ट है। ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट है? बेंडा। बेंडा नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसी का नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेंडा नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। हिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि कोलिगर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले कीट में देखा और उसका नाम साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल रखा। ठीक है, फिर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी सेल में देखा और क्या किया? उसे फीला नाम रख दिया। लेकिन बेंडा नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका नाम क्या रखा? इन्होंने इसका नाम है वो माइटोकॉन्ड्रिया रखा। अब देखते हैं कि इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अब कोशिका में पाए जा रहे हैं, तो सभी प्रकार की कोशिका, कुछ कोशिकाओं को छोड़कर सभी प्रकार के कोशिकाओं में ये देखने को मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो बैक्टीरिया में, ठीक है, किसमें? बैक्टीरिया और स्तनी जीवों के, स्तनी, ठीक है, मैमलियन एनिमल है, उनके परिपक्व या मेच्योर आरबीसीएस ब्लड है, ठीक है, लाल रक्त कणिका, उसमें छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया वो पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोशिका में नहीं पाए जा रहे हैं? बैक्टीरियन कोशिका में नहीं पाई जा रही है और इसमें स्तनियों के आरबीसीएस में, ठीक है, लाल रक्त कणिका में माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं पाए जाते, बाकी सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है वो पाए जाते हैं। आगे इसका देख लेते हैं आकृति कैसा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका आकार देखते हैं कि इसका आकार कैसा रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकृति देख रहे हैं, इंग्लिश में से शेप कहा जा रहा है, तो इसका शेप देख रहे हैं कैसा रहता है? फिलामेंटस होता है। ठीक है, फिलामेंटस मतलब तंतुवत होती है। कई और कैसे रहते हैं? ग्रेन्यूल रहती है, मतलब कड़ी का युक्त रहते हैं। छड़ के आकार का भी
माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, क्षण के आकार का या फिर इसी को इंग्लिश में रेड सेल कहा जाता है। तो इसके आप आकार देखें, ठीक है, कौन कौन से रूप में पाई जा रही है, कौन कौन सी इसकी आकृति देखने को मिल रही है, एक फिलामेंटस देखने को मिल रही है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स या ग्रेनुलर प्रकार के और क्षण के आकार की इसकी आकृति देखने को मिलती है। इसके साइज देख लेते हैं, ठीक है, इसके साइज परिमाण, तो इसके साइज देखते हैं कि इसका जो व्यास होती है वो 0.5 से 1 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, कितना होता है इसका व्यास है समान, सभी में तो अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी साइज है वो सभी कोशिकाओं में अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः कैसा देख कितना इसकी साइज है वो देखने को मिलती है, व्यास है इसका 0.5 से 1 माइक्रोन या 0.5 से 1 माइक्रोन देखने को मिलती है, और इसकी लंबाई है वो 3 से 10 माइक्रोन देखने को मिलती है। ठीक है, कितना इसकी साइज होती है, इसकी साइज में इसकी लंबाई देखा जाए तो 3 से 10 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी संख्या, क्योंकि संख्या है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी संख्या है सभी कोशिकाओं में अलग अलग देखने को मिलती है। अब जिन कोशिकाओं में कार्य ज़्यादा होता है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जिन कोशिकाओं में कार्य कम होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वो कम देखने को मिलेगी। तो इनकी संख्या देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रोटोजोअन एनिमल है, ठीक है, क्या नाम है इसका, चैओस, ये प्रोटोजोअन एनिमल है, अमीबा, प्रोटोजोअन एनिमल अमीबा, जो कौन से चैओस है, इसमें सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे अधिक इसमें देखने को मिले चैओस में देखने को मिले, इसमें कितना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, इसमें 5 लाख तक होती है। ठीक है, कितने लाख है, 5 लाख पाई जाती है इनकी संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है प्रोटोजोअन में पाई जाती है, कौन से प्रोटोजोअन है, चैओस। ठीक है, आगे स्पर्म कोशिका, ठीक है, स्पर्म कोशिका में इनकी संख्या कितनी रहती है, 20 से 24 तक पाई जाती है। स्पर्म मतलब शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म में उसमें कितनी रहती है इनकी संख्या है वो 20 से 24 देखने को मिलती है। चूहा की यकृत मतलब रेट के लीवर है उसमें कितना होता है, 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। तो इसके कार्य के अनुसार देखो सभी कोशिकाओं में क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वो अलग अलग होती है। तो आगे होते समझ में कि माइटोकॉन्ड्रिया एक फिलामेंट, एक तंतुमय कणिका होती है। ठीक है, इसे सबसे पहले कोलिका नामक साइंटिस्ट ने देखा, उसके बाद फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने देखा, और फिला नाम दिया, बेंडर नामक साइंटिस्ट ने देखा, और इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है, ये आ गया समझ में, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे फिर इसका स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसका पहले तो बता चुकी हूँ, इसका शेप, इसका साइज है वो सब कैसा कैसा रहता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका है, कोशिका के अंदर आपको बताया कि केंद्रक है, केंद्रक नहीं है आपका क्या रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर सेक्शन काटा है, ठीक है, कटा हुआ है, तो इसके जो अंदर आंतरिक संरचना वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब देखते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी संरचना, जब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इसमें 2 लेयर देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, जो बाहर की लेयर होती है उसे आउटर लेयर या फिर इसे हिंदी में बाह्य स्तर कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, इसके अंदर लेयर पाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, इनर लेयर या फिर हिंदी में इसी को आंतरिक स्तर कहा जाता है। ठीक, तो बाहर की ओर एक संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको कोशिका में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया है, ठीक, अब इन माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको प्लाज्मा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये 2 लेयर है, इसका सबसे बाहर की ओर जो इसका मेम्ब्रेन पाई जा रही है इसे क्या कहा जा रहा है, आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी जो मोटाई होती है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी मोटाई होती है वो कितना होता है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है।
इसके अंदर धूप और जाए तो क्या थी, एक और लेयर पाई जाती है जिसे इनर लेयर कहा जाता है। तो इसके अंदर जो लेयर पाई जाती है वो कैसा रहता है, कहीं उभरी हुई तो कहीं घसी हुई संरचना रहती है। देख पा रहे हो, एक ऐसा उभरी हुई फिर नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर, ऐसी इसकी संरचना मतलब मुड़ी हुई संरचना पाई जाती है इसकी आंतरिक मेम्ब्रेन की। तो इसकी जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। ये इस इनर मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई है वो 60 से 70 अंगस्ट्रांग होती है। मतलब क्या हुआ, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों की मोटाई वो कैसे है, दोनों की मोटाई एक समान है, 60 से 70 अंगस्ट्रांग। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच देखने की खाली जगह पाई जाती है। ठीक है, खाली जगह पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, आउटर चेम्बर कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो खाली जगह पाई जाती है उसे कहा जाता है आउटर चेम्बर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आउटर चेम्बर कहा जाता है। अभी जो आंतरिक मेम्ब्रेन है, इस आंतरिक मेम्ब्रेन के अंदर भी खाली जगह पाई जा रही है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन देखो, ये पूरा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। तो इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर में भी आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, खाली जगह पाई जा रही है। इस खाली जगह को क्या कहा जाता है, इनर चेम्बर। बाहर है उसे क्या कहा जा रहा है, आउटर चेम्बर। तो इसे क्या कहा जाएगा, इनर चेम्बर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इनर चेम्बर, इनर चेम्बर कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसे, इनर चेम्बर कहते हैं। यहाँ तक आए समझ में। अब देखते हैं ये जो इनर चेम्बर होती है, इस इनर चेम्बर में बहुत सारे द्रव मटेरियल पाए जाते हैं। द्रव मटेरियल इसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे द्रव पाए जाते हैं, इन सभी द्रव को साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो द्रव मटेरियल पाए जा रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स भी कहते हैं, आप चाहो तो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इसे मैट्रिक्स। आगे है, इसी मैट्रिक्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया का DNA पाई जाती है, इसी में RNA भी पाई जाती है। ठीक है, DNA भी पाई जाती है और क्या पाई जाती है, RNA भी पाई जाती है, क्योंकि इसमें DNA RNA भी पाया जाता है। और यहीं पर क्या पाई जाती है, राइबोसोम भी पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाई जा रही है, मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है, DNA RNA ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे है, ये जो उभरी हुई संरचना आप देखते हो, इस तरह से इसकी जो आंतरिक मेम्ब्रेन है, इस आंतरिक मेम्ब्रेन की तरह से उभरी हुई संरचना पाई जा रही है। देखो, मुड़ी हुई उभरी उंगली प्रवर्त संरचना पाई जा रही है। इस उंगली प्रवर्त संरचना को कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, क्रिस्टी कहा जा रहा है। इसे क्रिस्टी कह रहे हैं, आंतरिक मेम्ब्रेन की जो उभरी हुई जो संरचना होती है या फिर उंगली प्रवर्त संरचना है, उस संरचना को कहा जाता है क्रिस्टी। स्ट्रक्चर है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहली लेयर है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इनकी जो मोटाई होती है 60 से 70 अंगस्ट्रांग होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है ये भी 60 से 70 अंगस्ट्रांग होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह पाई जाती है, इस खाली जगह को आउटर चेम्बर कहा जाता है। इसमें भी द्रव मटेरियल पाई जाती है, साथ में इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। आगे है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर खाली जगह होती है, उनमें बहुत सारे द्रव मटेरियल पाए जाते हैं। इन द्रव मटेरियल को मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर में DNA होती है, RNA होती है और राइबोसोम होती है। इनमें जो राइबोसोम होती है उस राइबोसोम में वो 70 प्रकार की होती है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर की जो जगह खाली जगह होती है उस जगह को इनर चेम्बर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इनर चेम्बर कहा जा रहा है। अब इसमें जो उंगली प्रवर्त संरचना होती है, जो आंतरिक या इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, उंगली प्रवर्त संरचना पाई जा रही है। इस उंगली प्रवर्त संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, क्रिस्टी कहा जा रहा है। और इसी क्रिस्टी में F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, F1 पार्टिकल पाया जाता है। क्या
इम्पोर्टेंट था। अभी आपको इस सृष्टि का बड़ा संरचना बनाकर बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये आपके समझ में। अब चूंकि यहाँ पर डीएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए राइबोसोम पाए जाए तो यहाँ पर भी ये प्रोटीन संश्लेषण कर देता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसका, ये जो सृष्टि वाला भाग है इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सृष्टि वाला भाग। आपको याद होगा ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाए थे, इस माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ उभरी हुई संरचना थी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, सृष्टि कहते हैं। तो वो जो सृष्टि है इसे इसका संरचना देख रहे थे, इसमें क्या कह रहा है, ये सृष्टि वाला इसको उभार वाला भाग है। आप देख पा रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये वाला भाग कौन सा है इसका, ये जो अंदर प्योर है ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, समझ में आया। ये जो बाहर का कौन सा है, इसका आउटर मेम्ब्रेन है, और अंदर प्योर है कौन सा है, इनर मेम्ब्रेन है, मतलब बाह्य लेयर बाह्य झिल्ली और ये हो गया आंतरिक झिल्ली, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है इससे मेम्ब्रेन का एक कौन सा भाग है, उभरा वाला भाग, उभरा हुआ भाग जिसे उंगली प्रवर्त भाग है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहा जाती है, क्रिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्रिस्ट भी कहते हैं क्रिस्ट। तो एक क्रिस्ट वाला भाग है, तो इस भाग में देखते हैं कि इसके ऊपर अभी मेम्ब्रेन है, तो क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन इसमें पाई जा रही है, ठीक है, मेम्ब्रेन है मतलब इसमें क्या होगा, लिपिड और प्रोटीन दोनों रहेंगे, जिसके ऊपर और नीचे क्या रहते हैं, लिपिड और प्रोटीन की लेयर रहती है। इसमें जो लिपिड और प्रोटीन हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। आगे इसमें देखते हैं, इसमें सात यहाँ पर रेस्पिरेटरी चैन पाई जाती है, जैसे कितना है, इसमें सात रेस्पिरेटरी चैन पाई जाती है, ठीक है, ये पूरा साथ है, वो क्या है, रेस्पिरेटरी चैन है। इसमें तीन एयरफोन कॉर्टिकल पाए जाते हैं, अभी से एयरफोन कॉर्टिकल में एटीपी बनती है, रेस्पिरेटरी यहाँ पर चैन चलती है, ये रेस्पिरेटरी चैन के दौरान यहाँ पर ये एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सृष्टि का स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें रेस्पिरेटरी चैन के बाद एक यहाँ पर एयरफोन कॉर्टिकल, फिर तीन रेस्पिरेटरी चैन के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर F1 पार्टिकल फिर होगा, उसके बाद फिर दो रेस्पिरेटरी चैन के बाद फिर F1 पार्टिकल, उसके बाद फिर, तो ये टोटल कितने होंगे, सात होंगे रेस्पिरेटरी चैन में, जो कितना होगा पार्टिकल है वो सात होंगे, ठीक है। अब इसे यहाँ पर F1 पार्टिकल कितने हैं, ऊपर और नीचे कितना होगा, ये समझ में आ गया होगा।